शादी से पहले हर लड़की की अरमान होती है कि उसे ससुराल में मायके जैसा ही माहौल मिले। खास तौर पर वह चाहती है कि उसकी सास उसे माँ जैसा प्यार दे। सास बहू पति और पुत्र के बीच वो कड़ी होती है जो पूरे घर को संभाल कर रखती है। अगर सास बहू के रिश्ते में सही तालमेल ना बैठे तो घर टूटने तक की नौबत भी आ सकती है। मगर भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता करवाहट से भरा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करती। आपने कई लड़कियों से सास की और सास से बहू की बुराई सुनी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सास बहू का रिश्ता ऐसा हो। कई घरों में सास बहू के बीच माँ बेटी जैसा प्यार भी देखने को मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करती और अपने रिश्ते को बेहतर बनाती है। सास क्यों नहीं बन पाती माँ? सास अपनी बहू के साथ व्यवहार ही ऐसा करती है जैसे वह सदियों से देखती आ रही होती है। ऐसे में वह एकदम से खुद को बदल नहीं पाती। साथ ही कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी होता है कि उनकी बहू बेटे को दूर ना कर दे। बहू भी उठाए पहला कदम। बहू को चाहिए कि वे अपनी सास से तालमेल बढ़ाने के लिए पहला कदम उठाए। ससुराल जाते ही अपनी सास को बदलने की बजाय धीरे धीरे अपने रंग में ढाले। कुछ बातें उनकी सुने, कुछ अपनी मनवाए, लेकिन प्यार से। अगर बहुएं थोड़ी कोशिश करें तो उनके रिश्ते में सिर्फ मधुरता ही बनी रहेगी। बहू को कभी भी अपनी सास की तुलना अपनी माँ से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का स्वभाव व नज़रिया अलग होता है। साथ ही सास को भी चाहिए कि वे अपनी बहू की तुलना अपनी बेटी या पड़ोसी से ना करें। अनुभव बांटकर आए पास। बहू को चाहिए कि अपनी सास से बैठकर उनके अनुभव सुने। आप चाहें तो अपने पति की बचपन की बातें उनसे जानें। आपकी ये छोटी सी कोशिश सास बहू के रिश्ते को मजबूत और करीब ला सकती है। कोई परेशानी हो तो आस पड़ोस, सहेली या परिवार के किसी सदस्य को फ़ोन करने के बजाय सास से सलाह लें। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको उनका सुझाव पसंद ना आए तो आप उनको माने, लेकिन सास से बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अपने पति की पसंद का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सास की पसंद नापसंद को भी इम्पोर्टेंस दें। अपनी सास का दिल जीतने के लिए उसकी पसंद का ध्यान रखें। इसके अलावा जब भी शॉपिंग पर जाएं, सासू माँ के लिए कुछ ज़रूर लाएं और उन्हें मुस्कुरा कर दें। आज के इस मॉडर्न समय में ज़्यादातर लड़कियां शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं। ऑफिस जॉब के चलते अगर वे घर में मदद नहीं कर पाती तो रिश्ते में दूरी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में वो कोशिश करें कि वो घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाएं।